उधर करहल में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले के लिए यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया। उत्तर प्रदेश में अब तीसरे और चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में करहल में वोटिंग होनी, लेकिन उससे पहले करहल में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री, उन पर हमला हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक जी। बृजेश जी, आप भी कन्विंसिंग के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है बहुत ही दुखद है। और इस प्रकार के जो हमले हैं वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के दोदक हैं। किस प्रकार कानून को तोड़ने का अभ्यास उनको है। मैं पूरी घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, उसके लिए इंतजाम के लिए भी चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूँ। केंद्रीय मंत्री है, उनको सुरक्षा केंद्र से भी मिली हुई है, उनके साथ लोकल पुलिस भी चल रही है, उसके बावजूद इस तरह से हमला हो जा रहा है, लोग गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे हैं। निराश हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी के लोग निराश हैं और इस प्रकार कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखिए कि जब बीजेपी सरकार बनेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप कानून व्यवस्था की बात, इसी बात को आप लोगों के बीच ले जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है और मैनपुरी में ही इस तरह की अगर घटना करिएगा, आप ही मन बना लीजिए कि पत्थर फेंकना है, तो सपा के लोग तो गुंडे माफियाओं का एक हुजूम है। इस प्रकार की घटनाएं करना उनकी आदत है। कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे लोग? बिल्कुल कड़ी सिखाएं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आने दीजिए। चुनाव आयोग का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो, 10 मार्च के बाद आप देखिएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। हेलो, ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से हमला किया गया और जब 10 मार्च के बाद दोबारा सत्ता में वापसी होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और अब आपको